नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। मिशन शक्ति के अंतर्गत दहेज प्रथा का अंत संबंधित विषय पर गोष्ठी व कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के आयोजन समिति द्वारा यह प्रयास किया गया है कि लोग इस जन समस्या को समझते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। इस दौरान बहुत सारे परीक्षार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, जो कि यह निर्णय ले कि दहेज प्रथा के खात्मे के लिए काम कर सके। वहीं दूसरे क्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को जागरूक करते हुए संस्था नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान के अध्यक्ष पुतन लाल पाल ने कार्यक्रम के बारे में बच्चों को जागरूक किया और यह बताया कि उनके द्वारा इस प्रथा के खात्मे के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जनमंच खबर के लिए उन्नाव के पूर्वा से रिंकी सोनकर की रिपोर्ट। जन चेतना संस्था के साथ जब मैंने ये मंच साझा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सर ये मुहिम दहेज प्रथा का अंत कब ये चालू कर रहे हैं, इन्होंने शुभारंभ इसका किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन सफल होंगे। हमारे समाज में जब बहुत साल पहले जब हम आप नहीं थे, तब भी किसी ने ये शुरुआत की थी कि महिलाएं घर से बाहर निकले, पर्दा प्रथा बंद हो, महिलाएं बेटियां भी पढ़े। जब उस वक्त वो उस युग में उसका कर सकते हैं शुभारंभ, और आज हम इतना सक्सेस हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो जो ये दहेज प्रथा का अंत कब हो, इसको भी हो सकता हम आप ना देख पाए कभी, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी इसको देखेगी और बिना दहेज की शादी होगी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।